अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मासूम आज़ीमी। आज मैं लब्बे शीरी बनाने लगी हूँ क्योंकि मुहर्रम है और सोचा मैं क्यों ना लब्बे शीरी की न्याज दूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है कस्टर्ड पाउडर और कलरफुल सेवैयाँ हैं, एक पैकेट लिया था, और मैंने खोए वाली मिठाई ले ली थी। चाहें तो आप सिंपल खोया भी डाल सकते हैं, और साथ में बादाम थे, एक कॉकटेल है और मिक्स फ्रूट वाला, और साथ में और छोटे वाले रसगुल्ले हैं। हाफ़ कप मैंने चीनी ले ली थी, एक ओलपर क्रीम का डब्बा है और दो ओलपर के डब्बे हैं 1.5 लीटर वाले। अच्छा जी, अब मैं लब्बे शीरी बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक पतीले में दोनों दूध के डब्बे डाल दीजिए और हल्की आंच पे इसको गर्म करने रख दें। हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं जो सेवैयाँ हैं कलरफुल वो डाल दूँगी। 5 से 10 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे पकाती रहूँगी और साथ साथ चम्मच भी चलाती जाऊँगी ताकि ये नीचे ना लगे। कुछ देर चम्मच चलाने के बाद इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी ताकि ये सेवैयाँ पक जाएँ। हल्की फुल्की सी नरम हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें बर्फ़ी डाल दूंगी या खोया आप डाल सकते हैं, साथ ही इसके बादाम हैं तो वो भी डाल दूंगी। और अब साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये बर्फ़ी जो है हल हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर लोग खोया डालते हैं लेकिन मुझे बर्फ़ी पसंद थी तो ज़ाहिर है खोए से ही बर्फ़ी बनती है, तो ये अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा चीनी भी नहीं डालनी थी तो मैंने कहा क्यों ना मीठी बर्फ़ी डाली जाए। और जो बादाम हैं लोग ज़्यादातर इसको पानी में बॉईल करके फिर डालते हैं ताकि छिलके वगैरह हट सकें, मगर मैंने ऐसे ही डाल दिया था ताकि ये क्रंची से रहे। सेवियाँ काफ़ी हद तक नरम हो चुकी थी तो अब मैं कस्टर्ड में दूध डालूँगी, कस्टर्ड पाउडर में, जो कि मैंने दूध थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था इसके लिए। कस्टर्ड मैंने इतना ही लिया जितनी ज़रूरत होगी, जितना मैंने थिक करना होगा उसी हिसाब से, तो आप भी अपने ही हिसाब से लीजिएगा जितना आप थिक करना चाहें इसको। अब मैं गर्म दूध में कस्टर्ड मिक्सचर डाल दूंगी जो कि मैंने हल किया था। साथ साथ चम्मच ज़रूर हिलाते जाएं ताकि कोई भी लम्स ना बने इसमें, और चेक करते जाएं कि कितनी थिकनेस आपको चाहिए। चम्मच चलाते जाएं, और मुझे थिकनेस कम लग रही थी तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा और जो है कस्टर्ड पाउडर मिक्सचर बना के तो और इसमें ऐड किया। अब ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक थिक हो चुका हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं इसको। जब ये अच्छे से थिक हो जाए तो उसके बाद इसको चूल्हे से हटा देना और हवा वाली जगह पे रखें, खुली जगह पे, और साथ साथ इसका चम्मच चलाते जाएं। तब तक आपने चम्मच चलाना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, क्योंकि ठंडे हो जाने के बाद इसमें हमने रसगुल्ले डालने हैं और क्रीम का पैकेट डालना है जो कि मेरे पास पहले से मौजूद था, जो आपको बता चुकी हुई हूँ। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये थिक भी होता जाएगा। कम से कम मैं 1 घंटा चम्मच चलाती रही हूँ इसको, और जब ये ठंडा हो गया तो इसमें मैंने जितनी भी क्रीम थी ओलपर की वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और साथ ही साथ मैंने क्रीम के बाद इसमें रसगुल्ले भी ऐड कर दिए और बचे हुए बादाम भी ऐड कर दिए थे। और बादाम और रसगुल्ले के बाद मैंने इसमें कॉकटेल भी ऐड कर दिया था साथ ही। आप कोई भी चाहें तो फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इस
जेली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अलबत्त मैंने जेली यूज़ नहीं की। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी, बहुत ही टेस्टी बना था। इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।